हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप की डिलीट हुई चैट को रिकवर करना चाहते हो तो बड़े आसानी से कर सकते हो। चाहे एक दिन पुरानी डिलीट हो गई, या चाहे एक साल की डिलीट हो चुकी है, या चाहे 5 साल की डिलीट व्हाट्सएप चैट, बड़े आसानी से रिकवर कर सकते हो। दोस्तों, आप अपने व्हाट्सएप की मोबाइल के अंदर ही, आपको कोई दूसरी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके व्हाट्सएप के अंदर कुछ ऐसी सेटिंग है जिससे करने से आप व्हाट्सएप की चैट रिकवर बड़े आसानी से कर सकते हो। डिलीट हुई चाहे एक दिन की हो, चाहे एक वर्ष की हो, कितनी भी नई हो या पुरानी हो, चैट बड़े आसानी से रिकवर कर सकते हो। अब दोस्तों, कैसे करोगे वो इस वीडियो में मैं आपको करके और चैट ला के भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ऑल पे जरूर क्लिक करना। दोस्तों, इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो हैंडल यहाँ पॉपअप हो रहा है, जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। दोस्तों, अगर आपके जैसे व्हाट्सएप की किसी के साथ चैट हुई है, उस चैट अगर आपके कोई गलती से या आपने डिलीट कर दी, तो उसको रिकवर कैसे करोगे? दोस्तों, चाहे आपकी वजह से डिलीट हो गई या गलती से हुई, या आपने किसी भी तरह से अगर डिलीट हो गई है, तो उस चैट को बड़े आसानी से रिकवर कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना, व्हाट्सएप को ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद में दोस्तों, ऊपर आपको एक थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना सिंपली। और यहाँ गाइज आपको मिल जाते हैं बहुत सारे सेटिंग, आपको चले जाना सेटिंग के अंदर। यहाँ अकाउंट, चैट, नोटिफिकेशन, डाटा, स्टोरेज डाटा, हेल्प, इन्वाइटेड फ्रेंड, बहुत सारे ऑप्शन। आपको सिंपली चले जाना है चैट के अंदर। चैट में जाने के बाद में दोस्तों, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुल के आपके सामने आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार, कि अगर आपने अपने व्हाट्सएप के अंदर जीमेल को साथ में लॉगिन करके रखा है, तो बड़े आसानी से आप ले सकते हो। मैं दो तरीका बताऊंगा। आप जीमेल अगर लॉगिन है तो आपके, चाहे जिस टाइम से व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो और उस टाइम से आज की चाहिए, चाहे आपने मोबाइल चेंज कर दिया हो, नंबर चेंज कर दिया, परंतु आपकी चैट रिकवर हो जाएगी। अगर जीमेल आपने व्हाट्सएप चालू किया उस टाइम, अगर आपने साथ में जोड़ दिया है, या बाद में जिस टाइम से आपने जीमेल ऐड किया, उसके बाद की चैट आप जीमेल पर बड़े आसानी से ले सकते हो। उसके लिए चाहे भले आपने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया हो या मोबाइल खुद चेंज कर दिया, दो ऑप्शन से ले सकते हो। जीमेल की तो परमानेंट चैट आप ले सकते हो बिल्कुल। दोस्तों, तो जीमेल की बैकअप कैसे लोगों में बताऊं आपको, यहाँ नीचे ऑप्शन मिल जाता है चैट बैकअप का, इस पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में दोस्तों, यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है गूगल अकाउंट, इस पर आपको सिंपली इस तरह से क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल के अंदर जीमेल है, वो सारी की सारी जीमेल यहाँ आ जाएगी। और जीमेल आने के बाद में दोस्तों, आप जीमेल पर लॉगिन करके और बड़े आसानी से, कितनी भी पुरानी चैट क्यों नहीं डिलीट हुई, आप रिकवर बड़े आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने, मैंने पहले आपको बताया, आपने मोबाइल चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर जीमेल आपका है तो आप बड़े आसानी से ले सकते हो दोस्तों, बड़े आसानी से। दूसरा एक ऊपर ऑप्शन आ जाता है बैकअप टू गूगल ड्राइव सेव, मतलब गूगल ड्राइव में कितने दिन की लेने चाहते हो, मंथली, ईयरली, वीक, या अभी नज़दीक एक दो दिन की, वो ऑप्शन पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों, आपको नीचे आना है गूगल अकाउंट पे, और इस गूगल अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ से आपको एक जीमेल सेलेक्ट कर देना है, जिस जीमेल में आप सेट करना चाहते हो। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ वाईफाई का या ओवर का नेटवर्क आपको चयन करना होगा। करने के बाद में दोस्तों, आपको सिंपली जिस जीमेल के अंदर सेव करोगे लॉगिन, उस जीमेल के अंदर ये आपकी चैट आ जाएगी। आने के बाद में दोस्तों, आपको क्या करना, सिंपली चले जाना अपने सेव ड्राइव के अंदर। सेव ड्राइव को जैसे ओपन करोगे, जैसे आपके मोबाइल में सेव ड्राइव का ऑप्शन हर मोबाइल में मिल रहता है, तो आपको सेव ड्राइव ढूंढना होगा। ढूंढने के बाद में आप बड़े आसानी से क्लिक करके आपको देख लेना कि सेव ड्राइव के अंदर, जैसे ये मैंने जीमेल से ली है, तो ये चैट अब डाउनलोड हो रही है। तो दोस्तों, अब जैसे ऐसे लेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी, और वो वहाँ से चैट, कितनी भी पुरानी क्यों ना चैट हो, वो चैट जीमेल की यहाँ सेव ड्राइव के अंदर आ जाएगी। और व्हाट्सएप में मैंने आपको पहले कहा, अगर जितने लॉगिन जिस दिन से आपने किया उस दिन से भी साथ में आ जाएगी। उसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, नियर है, मंथली है,
ईयरली है, हाफ ईयरली, हाफ मंथली, जो भी सेलेक्ट करोगे उतने दिन की वो चैट आपके मोबाइल पर बड़े आसानी से आ जाएगी, और वो आने के बाद में सेव ड्राइव में आपके इस तरह से हो जाएगी। जैसे ये मैंने अभी लॉगिन किया तो ये सेव ड्राइव में पूरी पूरी चैट आ गई है मेरी, जब से मैंने मोबाइल व्हाट्सअप यूज़ किया उस दिन से आज दिन तक आ गई, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी सेव है मेरे, तो इसलिए सेव ड्राइव में पूरी पूरी चैट यहाँ आ जाएगी। चैट बहुत ज़्यादा है क्योंकि 10 साल की चैट अब एक साथ मैंने निकाली है, इसलिए लोडिंग के लिए कम से कम 1 घंटा लगेगा, क्योंकि 10 साल की पुरानी चैट में टाइम भी लगता है। तो दोस्तों आप इस तरह से अपनी व्हाट्सअप की डिलीट हुई चैट बड़े आसानी से ले सकते हो, चाहे 1 दिन की हो, चाहे 1 साल की हो, चाहे 10 साल की हो, बड़े आसानी से ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैंने बताया इस सेटिंग करके आप भी बड़े आसानी से ले सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन करके ऑल पे जरूर दोस्तों क्लिक करना। मैं मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।